हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो मेरे चारों के चारों फेज है बेटा, वो आज हम लोग जो है चौथे फेज के अंदर आ गए हैं। अब इससे पहले प्यारे बच्चों को मैं ये बता दूं कि हम लोग तीन फेज लेके आए हैं। जो बच्चे नए होंगे तो उनको इन्फॉर्म करना तो जरूरी प्यारे बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चौथे बच्चों को बात करेंगे भाई। जो ये सीरीज है ना, जो चौथे फेज पे आए हैं, वो चौथे फेज से आने से पहले हम लोग तीन फेज जो है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमंड क्वेश्चन को मैं बोलना चाहता हूं, वो सारे डायमंड क्वेश्चन आप लोग हम लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और किए हुए हैं, और मैंने आपको कराया हुआ है। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। अब बच्चे हम लोग फेज 4 पे हमें प्रवेश करने जा रहे हैं, फेज 4 में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। इस फेज 4 को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला है। अच्छा, फेज 4 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला है, और फेज 4 के अंदर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। और यहां पे बेटा एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब कि बेटा मैं आपको बता दूं, थोड़ा रफली कैलकुलेशन यहां पे मैं कर देता हूं जिससे आपको जो है थोड़ा सा ओवरव्यू मिल पाए। देखो बच्चे, मैं आपको जो है अप्रॉक्स 10.5 घंटे का टाइम दिया हूं, 10.5 घंटे का टाइम दिया हूं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब बच्चे ये टाइम जो है आपको बड़े ही कम लगे, छोटा लगे, यहां पे आपको लगे कि मैं आधे घंटा सो देता हूं, डेढ़ घंटे सो लेता हूं, तो ऐसा कभी मत करना बेटा। याद रखना, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 18 से 19 अंक मिल रहे हैं। जो चार चैप्टर मैं करा रहा हूं ना, उस चार चैप्टर से 18 से 19 अंक आपको मिल रहे होंगे। तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे, बिल्कुल भी बेटा इसको हल्के में नहीं लोगे। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। तो हम उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, अब एक्चुअल जो है हमारे कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि हमको कौन कौन से ऐसे टॉपिक, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस को अपन को करके जाना होगा जिससे हमको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। तो चलिए बच्चे फटाफट बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जहां से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसका जो नाम होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से प्यारे बच्चों यहां पे मैं बात करता हूं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और बच्चे यहां जो यही जो चैप्टर होता है, हमारा फंडामेंटल होता है, यही हमारा बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाने के लिए, मतलब 12th की केमिस्ट्री में पहुंचने के लिए हमारा बेस हो जाता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने नेम रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। अब नेम रिएक्शन कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे सारे जो नेम रिएक्शन होता है, जैसे कि फ्लिंकर्ट्स, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, गॉटरमैन रिएक्शंस, ठीक है, गॉटरमैन अभिक्रिया, ठीक है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सारी जो अभिक्रियाएं जो होती है ना, ये सारे नेम रिएक्शंस के अंतर्गत आती है। मतलब कि भाई सिंपल बात है, ये सारे जो है अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, तो उनके हिसाब से इनको क्या बोला जाता है, नेम रिएक्शन बोला जाता है, नाम अभिक्रियाएं बोली जाती है। क्या बेटा? नाम अभिक्रिया। तो मैं सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर देता हूं कि सारे के सारे नेम रिएक्शन बच्चा मैंने कराया हुआ है एज इट इज, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे के सारे रिएक्शन मैंने कराई हुई है। और किसी भी बच्चों को वहां पे जो है पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। अगर मैं ये बोल दूं बच्चे, तो आपके लिए खुशखबरी है, मैं लेके आ जाता हूं भैया, बोल दूं क्या, खुशखबरी ही लेके आ जाता हूं भैया कि यहां पे जो नेम रिएक्शन है, मैं वापस इसको जो है बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा अति भयंकर भयानक तरीके से हेल्प होने वाली है। यकीन मानो बच्चे, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और इसको सिंसियरली फॉलो करते रहना, सिंसियरली बेटा फॉलो करते रहना, ठीक है। चलिए बच्चे बात करते हैं नेम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब नेम रिएक्शन है बेटा, इसको खत्म करने का, इसको फोड़ने के बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे मार्कोनी कॉफ नियम। बेटा मार्कोनी कॉफ नियम और एंटी मार्कोनी कॉफ नियम, ये दो नियम है बेटा, ये दो नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसको बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते रहते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन इसको करने में, ठीक है, लोगों को लगता है टफ है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। भाई जिस दिन सब्जेक्ट में फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट को फील करो, स्टार्ट करो, ठीक है। यकीन मानो प्यारे बच्चों, आपको मैं वापस डायलॉग बोलता हूँ, कि भाई आपके पास जो है सिर्फ दो दिन है, इसी दो दिन के अंदर आपको फोड़ना है, इसी दो दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री आपको फोड़नी है। क्लियर सारे बच्चों को। बच्चे देखो, कई बच्चे ना यहाँ पे ना इतनी मासूम बनते हैं, इतना मासूम बनते हैं, कहने का मतलब, मासूम कहने का मतलब, उनको लगता है कि हम यहाँ पे घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, हम जो है दिन में जो है 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिन में 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हम जो बहुत ज़्यादा जो है हार्ड कोर मेहनत कर रहे हैं, अपन जो है बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम रात रात भर जो है रात के 2 घंटे पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अगर आप इतनी जो है मेहनत कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको कम्पीट करने के लिए लाखों बच्चे हैं, क्या बच्चा, लाखों बच्चे जो इस टाइम पे आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, क्या बेटा, पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ रहे होंगे, समझ रहे हो ना बेटा। तो आपको कंपीट करने के लिए लाखों बच्चे हैं, कक्षा 12वीं के अंदर बहुत सारे लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, उस एग्जाम को आपको फाइट करने और आपको उस जो है रैंक तक लेके जानी, मतलब बेटे आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है।
तभी आप अच्छे मार्क लेके आओगे, जब आप उस चीजों को सोचोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो ना बेटा, तो आपको उस लेवल की मेहनत चाहिए होगी। ठीक है, आप एक घंटा पढ़ लिया, डेढ़ घंटा पढ़ लिया, चार घंटा पढ़ लिया, उसके बाद बेटा आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, रील्स देखे जा रहे हो, सारी चीजें देखे जा रहे हो, तो आपको इस तरीके से अचीवमेंट नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से अचीवमेंट नहीं की जा सकती चीजों को। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया होगा? ठीक है, देखो बच्चे ये सारी चीजें ना आपको जो है बीच बीच में बूस्टअप करने के लिए रहती है, मतलब भैया आप लोग जो है थोड़ा सा जो क्या होता है भटक जाते हो, कई मेरे बच्चे होते हैं क्या में भटक जाते हैं रास्ते, उनको जो है थोड़ा सा सीधा लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें यहाँ पे बोलनी पड़ती है। अगर किसी बच्चों को हार्स लगता है तो आप सह लिया करो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन, ठीक है, मार्कोनी कॉफ नियम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बेटा एंटी मार्कोनी कॉफ नियम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग खराश प्रभाव या फिर परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, खराश प्रभाव या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, क्लियर सारे बच्चों को समझ में। उसके बाद बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया है बेटा जो हमारे चैप्टर नंबर 10 से है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, जिसे हम नाभिक स्नेही जो है अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहां पे हम SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से सीखने वाले हैं। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया होगा? ठीक है, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो बहुत अच्छे से बात है, सारे बच्चों को पता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखो बच्चे दो चीजें यहाँ पे बात करते हैं, पहले नाभिक स्नेही के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात करना होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपको देख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है, एग्जाम के अंदर करके ही जाना, और हो सकता है बेटा यहां से जो है नेम रिएक्शन ना पूछ के बेटा इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाए, तो आपको कोई भी चीजें हल्के में नहीं लेनी बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैं बता दे, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कई बच्चे चले जाते हैं, भाई चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं सर अपन सुन लेंगे। ठीक है, देखो बच्चे चीजों को सुनोगे एक्सेप्ट करोगे ना तो चीजें समझ आती है। जो बच्चा चीजों को एक्सेप्ट करता है ना भाई, जो बच्चा जो बंदा, ठीक है, जो भी लोग हैं चीजों को जब एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं चीजों को कि हाँ ये चीजें गलत है, हाँ ये चीजें सही है, सर ये सही बोल रहे हैं, सर ये कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, जब चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बच्चा अब चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 11 जो होता है वो हमारा अल्कोहल, फिनॉल और इथर हो रहा होता है। इस चैप्टर के अंदर बेटा मैंने आपको जो है नाम रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन होते हैं हमारे, वो आपस से मैं करा रहा हूँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, वो उस चैप्टर के सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे मैं कराऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारे मैं करा दूंगा, ठीक है, वापस से मैं करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बच्चों यहाँ पे जो नाम रिएक्शन होगा उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा, और यहाँ पे कुछ नाम रिएक्शन मैंने आपको बताया है और दिख भी रहा है बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे कुछ नाम रिएक्शन डेफिनेटली पूछा जाता है या फिर कन्वर्जन पूछा जाएगा। दो चीजें यहां से पूछी जाती है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से समझना सीखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। भैया यहां से नाम रिएक्शन डेफिनेटली कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे नाम रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे और उसकी जो है कन्वर्जन के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब भैया हमको अल्कोहल से फिनॉल कैसे मिलेगा, इथर कैसे मिलेगा, ये किस तरीके से कन्वर्जन होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होने वाली, क्रियाविधि कैसे होने वाली, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, तो इस प्रकार पूरी की पूरी चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं वापस से अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाला हूँ। क्लियर सारे बच्चों को, यहाँ पे सारे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इसको मैं वापस से और बहुत बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास जो इनफ टाइम रहेगा बेटा तो उसको फटाफट आप 2x में करके सारे वीडियोस को क्या करना 2x में करके देखते रहना, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को, अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जंप करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का कन्वर्जन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज आपको पता है, मैंने आपको कराई हुई है। ठीक है बच्चे, लेकिन फिर भी मैं बेटा यहाँ पे नाम रिएक्शन लेके आऊंगा। ठीक है, वापस से नेम रिएक्शन लेके आऊंगा जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, चैप्टर नंबर 12 के लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वापस से नाम रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे जब आओगे तो आपको ना कुछ क्वेश्चन देखने मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस क्वेश्चन को बेटा आप लोग ध्यान से सीखना समझना, मैं क्या बताना चाहूंगा ध्यान से समझना। ठीक है, जो हमारा एल्डोल होता है, ठीक है, ये अनदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो एल्डोल संघनन होता है और क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस बेटा कुछ चेंजेस होती है लेकिन एक जैसे ही कंप्लीटली होते हैं, और इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में करके जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, एल्डोल संघनन भैया आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको करके ही जाना, कभी छोड़ने के बारे में सोचना मत, सपने में बेटा सपने में सोचना मत कि इसको क्वेश्चन को छोड़ दूंगा मैं, समझ नहीं आ रहा बेटा, इसको टाइम लगाना, आधे घंटे जाना, लेकिन समझना और जाना और लिख के आना।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, यकीन मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्डोल संग्रहण और क्रॉस एल्डोल संग्रहण। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ पे कुछ टेस्टिंग होती है हमारे, जो टॉलेंट टेस्टिंग, ठीक है टॉलेंट टेस्टिंग, ठीक है और बहुत सारी टेस्टिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा। टॉलेंट अभिकर्मक किसे कहते हैं, ये हमारा अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चे यहाँ पे जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है इसके बारे में बताऊंगा, कैसी चीज होती है। रोजनमोंड अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें भैया मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैंने आपको नोट करा दिया। ठीक है बच्चा, कुछ चीजें मैंने आपको नोट करा दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है। क्लियर सारे बच्चों को? तो आपको मैं पूरा जो है बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चे आप जो अपने एंड से भी सारी चीजों को तैयार कर रखना, प्रिपेयर करके रखना। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से अपन जो है चैप्टर नंबर 14 के ऊपर जम करते हैं। देखो बेटा चैप्टर नंबर सॉरी 13 के ऊपर जम करते हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारा क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग बोलते हैं एमीन। क्या बोल रहे होता है बेटा? एमीन, जो हमारा 13 चैप्टर है। इस 13 चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिख रहे हैं, इसको पहले फटाफट क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छे से। अब बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब यहाँ से दो अंक के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे बेटा, चार अंक के लिए क्वेश्चन आते, टोटल ओवरऑल चार अंक के लिए क्वेश्चन आते, लेकिन दो दो अंक के दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, दो दो अंक के दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब दो दो अंक के दो क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो अंक के क्वेश्चन में बेटा हमको कुछ भी दे सकता है। अब मान लो बेटा, ध्यान से सुनो, एक बेहतरीन चीज बोलता हूँ, ठीक है ध्यान सुनो, आपको दो अंक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, दो अंक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। अब दो अंक जो है एक सेट हमारे पास जो है एबीसी सेट है, उसके अंदर तीन अलग अलग जो है दो अंक के लिए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दो अंक के लिए क्वेश्चन, अब वही दो अंक तो दो अंक ले रहे, मतलब टोटल ओवरऑल मैं बोलूँ वहां से छह क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस छह क्वेश्चन प्रिपेयर करने से अच्छा कि मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपको दिख जाएगा, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चे इन सारे कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, इसलिए यहां पे मैं चीजों को और ज्यादा जो है डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर मेरे वीडियो आने वाले हैं। क्या बच्चे? इसके ऊपर मेरे वीडियो आने वाले हैं। और बच्चे आप लोगों का जो अगर सपोर्ट रहेगा, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों जो कमेंट सेक्शन में ये बोलोगे कि सर इसका जो रिएक्शन मेरे को वीडियो चाहिए, अगर आप बोलोगे सर ये जो मेरा प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, इसको बनाने की अभिक्रिया का मेरे को बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। क्लियर सारे बच्चों को? अगर टाइम रहेगा बेटा आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके टाइम रहेगा बेटा, आप लोग क्या करोगे? कमेंट करोगे। और क्या करोगे बेटा? आप लोग एटलीस्ट, ठीक है, आप लोग एटलीस्ट 70-80 कमेंट मेरे को चाहिए बेटा, मेरे को चाहिए, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मेरे को मोटिवेशन चाहिए कि आप लोग के लिए मैं एक जो है नया सीरीज लेके आऊँ, एक नया जो है टॉपिक लेके आऊँ, एक नया जो है कंसेप्ट लेके आऊँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप लोग क्या कीजिए बेटा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिखिएगा सर वी नीड दिस रिएक्शन, लिख दो भाई, जैसा लिखना चाहते हैं लिख दो, लिखना है। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आए? तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चे, ठीक है स्क्रीनशॉट लेते फिर बात करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा हमारा जो, ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके बाद बेटा मैं आप लोग को जो है एक सीरीज नहीं बोल सकता, उसको मैं बोल सकता हूँ एक जो है वीडियो लेके आने वाला हूँ, कुछ वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से बच्चे आपको जो है कुछ कंटेंट यहाँ पे मिल गया, कुछ टॉपिक्स आपको मिल गए, तो एटलीस्ट बच्चे इसको आप लोग अपने एंड से प्रिपेयर करके रखिएगा। और इस प्रकार से बेटा पूरा ओवरऑल हमारा जो सीरीज है, हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो केमिस्ट्री है पूरी खत्म हो जाती है और आपके पास इनफ टाइम रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो आने वाला जो एग्जाम है केमिस्ट्री उसमें भी आप गजब तरीके से फोड़ने वाले हो, मेरे को सारे बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। अब देखो बेटे यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एक छोटी चीज बोलना चाहता हूं, छोटी मतलब बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अब बच्चे जिन बच्चों के, यकीन मानो बेटा, जिन बच्चों के बहुत ही बेहतरीन अंक आने वाले हैं, वो डायरेक्ट जो है हमारे साथ बेटा, डायरेक्ट हमारे साथ क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू में आ सकते हो बेटा, इंटरव्यू में आ सकते हो। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? आपके अगर बोर्ड्स में बहुत बेहतरीन अंक आ रहे होते हो, ठीक है, बेहतरीन अंक आ रहे होंगे, तो आप लोग को एक सबमिशन जो है, एक फॉर्म का सबमिशन आएगा बेटा, वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, हमारे साथ मिलने की आपको जो है हमारे साथ जो है आप मिल सकते हैं, हमारे साथ कुछ बातें हो सकती है जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने जूनियर्स को गाइड कर पाओगे, क्या कर पाओगे बेटा, जूनियर्स को गाइड कर पाओगे। तो इस लेवल तक बच्चे हम लोग जो है अपना जो सीरीज है लेके जाने वाले हैं। तो बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम देके आइएगा। अपने जो है लास्ट जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे, उन बायोलॉजी वाले बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो उनको मैथ्स वाले बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, भैया अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए बच्चों ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, आने वाला लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है, आपका जो भविष्य बेटा बहुत सुनहरा होने वाला है। तो चलिए बच्चों ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।